प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है और हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। और कार्यालय आज कार्यालय नहीं दिख रहा है बल्कि एक हॉस्पिटल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, कतार में अपने इलाज की के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट, हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा हैं। कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर है अभी? यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम लोग आँख, नाक, कान, गला, हृदय, हड्डी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, शिशु रोग, सब विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि अपना निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं और गरीबों को हम लोग यहाँ पर दवा भी फ्री में बांट रहे हैं सबको। हमारे साथ विनोद शर्मा भी हैं, प्रवक्ता। ये बताइए, ये जो कंसेप्ट है कि पूरा आप लोगों ने प्रदेश कार्यालय को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, आज पूरे देश में हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस, जो बहुत ही सुखद है भारतीयों के लिए। और इस तरह से हजारों कैंप पूरे देश में लगे हैं सेवा भाव से। गरीबों का लाइन ताता लगा हुआ सुबह से, आदरणीय सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी ने उद्घाटन किया सुबह आके, और सुबह 8 बजे से लोग अनवरत आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब दवा दी जा रही है, चश्मा उपलब्ध कराए। हमेशा मतलब एक हफ्ता तक चलेगा? जी, एक सप्ताह तक चलते रहेगा कार्यक्रम। और बहुत सारे कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की सेवा अधिक से अधिक हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। अंदर चल के देखते हैं कि आखिर ये बीजेपी अस्पताल, बीजेपी ऑफिस जो है, कैसे हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है आज के दिन सेवा दिवस के अवसर पर। ये तमाम जो है महिलाओं के लिए अलग कतार लगी हुई है और पुरुषों के लिए अलग है। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक हॉस्पिटल में, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ क्या इलाज कर रहे तबीयत खराब, आँख दिखाने आए, पर्ची कट रही है। हाँ, यहाँ पर पर्ची कट रही है। और भी चल कर देखते हैं, जहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पदाधिकारी बैठते हैं बीजेपी के, वहाँ पर देखिए इधर ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर सामने अध्यक्ष का कमरा है। और ये इसी तरीके से हम और भी दिखाना चाहेंगे, सब जो भी पदाधिकारियों का कमरा था आज के दिन, वो डॉक्टर का कक्ष बन गया है। यहाँ देखिए सेवा दिवस के अवसर पे डॉक्टर राकेश, शिशु रोग विभाग के डॉक्टर राकेश यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह से तमाम जो कमरे हैं वो डॉक्टर कक्ष के रूप में आज तब्दील कर दिया गया। देखिए बच्चों को का इलाज किया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह से और भी हैं। इलाज हुआ आपका? डॉक्टर उठ गए। क्या इलाज करने हैं? मुंह में अथी हो गया है? दाग आ गया ना मुंह में, दाग आ गया इसी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में इस तरह की व्यवस्था की गई है, लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस तरह से सेवा दिवस के रूप में बीजेपी इसे मना रही है। और यही वजह है कि आज कोई राजनीति नहीं, बस केवल और केवल लोगों का इलाज किया जा रहा है यहाँ पर। आमतौर पर तो यहाँ राजनीति होती है, लेकिन इस बार जो है ये आज इलाज किया जा रहा है।